एक लापरवाह बस ड्राइवर का कारा उस वेले वेखण नूं मिलिया जदों इस बस ड्राइवर ने अपनी बस का संतुलन गवा दिता ते इह बस एक दुकान दे विच जा वड़दी है अते इह बस एक स्कूल दी दसी जा रही है जिसनूं इह ड्राइवर चला रहा सी। जानकारी इह भी सामने आई है कि जिहड़ा नौजवान इस बस नूं चला रहा सी उसनूं ड्राइविंग करनी ही नहीं आउंदी सी ते ना ही उसदे कोल कोई लाइसेंस सी। फिलहाल इह तस्वीरां सीसीटीवी दे विच कैद हो गईआं ने। तस्वीरां च वेख्या जा सकदा है कि इह बस पहलां एक वैगनार दे विच जाके वजदी है ते वैगनार गड्डी दे अगे दो पहिया वाहन खड़े हुंदे ने जिस कारण दो पहिया वाहन डिग जांदे ने ते गड्डी दा भी नुकसान हुंदा है ते जिवें ही इह बस कार दे विच वजदी है तां इह अपना रस्ता मोड़ लैंदी है ते एक दुकान वल नूं हो लैंदी है। मैडिकल स्टोर दे बिल्कुल बाहर दुकान दा मालक बैठा हुंदा है अते तेज़ रफ्तारी नाल आउंदी इह बस पहलां पोल दे नाल जा के टकरा जांदी है ते पलट जांदी है ते पोल भी टुट जांदा है। उत्थे दुकान दे बाहर बैठा दुकान मालक अते दुकान दे बाहर खड़ी महिला ने भज के अपनी जान बचाई जिस तों बाद आले दुआले हफड़ा दफड़ी वाला माहौल बन जांदा है जिस तों बाद स्थानक लोकां ने बस चालक नूं बस दे विचों बाहर कढ़िया ते फड़ के पुलिस दे हवाले कर दिता। जानकारी इह सामने आई है कि इस बस नूं सिर्फ 20-22 सालां दा एक नौजवान चला रहा सी जिस कोल कोई भी लाइसेंस नहीं सी। फिलहाल इस बस ने बहुत सारे लोकां दे वाहनां दा नुकसान कीता है हालांकि जानी नुकसान तों बचा रहा। इस मौके दुकान मालक ने दस्सिया कि ओह दुकान दे बिल्कुल बाहर बैठा सी ते दुकान दे अंदर उसदे कस्टमर भी मौजूद सन ते उसदे दुकान दे विच काम करन वाले कामे भी मौजूद सन अते जिवें ही बस उन्हां दी दुकान वल नूं आई तां उन्हां दे सांह सुक गए ते हफड़ा दफड़ी वाला जिहड़ा माहौल वेखण नूं मिलिया। दुकान मालक ने इस ड्राइवर दे खिलाफ सख्त कारवाई करन दी मंग कीती है। इह घटना मुंबई दे मीरा रोड ते वापरी है। दुर्घटना हुआ ये तो बहुत दर्दनाक दुर्घटना था, इस तरह नहीं होना चाहिए था, लेकिन ये जो ड्राइवर चलाने वाला था उसकी लापरवाही की वजह से इस तरह हुआ। और जो दूसरा ड्राइवर था उसको इस तरह का चाबी या उसको देना नहीं चाहिए था, और इस तरह कहीं किसी के जान हान नहीं हुआ रहे तो ऐसा काफी तकलीफी होता। घटना ऐसा था कि यहाँ पे एक वैन खड़ी हुई थी जो है बस अपना स्कूल का, और सैलून में से जो है एक बंदा था उसने बोला चाबी दे दीजिए मैं ड्राइव करके आता हूँ गाड़ी इधर उधर, तो उसने चाबी दिया और चाबी करके आया तो यहाँ पे एक वैन खड़ी थी उस पर मारा धक्का, फिर मार के फिर उसने रेस किया गाड़ी, फिर ये पोजिशन पे आके ये स्कूटी के ऊपर ओवरटेक हुए, यहाँ पे रॉड लगा हुआ था रॉड को तोड़ते हुए गाड़ी वहां तक चढ़ गई जो है पूरा, और पलटी खा गया नहीं तो अंदर मेडिकल में भी जा सकता था। कल रात का वक्त था, मेरे ख्याल से 8:45 का टाइम था, मैं अपने दुकान के बाहर कुर्सी पे बैठा हुआ था, सडनली एक मिनी बस स्कूल बस थी, उसका एक ड्राइवर जिसको गाड़ी चलाने नहीं आती थी उसने अपने दोस्त के पास से, जो ड्राइवर था उसके पास से चाबी लेके गाड़ी चलाना चालू करी। और पहले तो वो आया मेरे के 100 फुट का डिस्टेंस कवर करने के बाद में एक वैगन और को जोरदार टक्कर मारी, और उसके बाद वो गाड़ी मेरी दुकान की तरफ टर्न हो गई, और दुकान की तरफ टर्न हो गई और मेरे एकदम दुकान से मेरा एक पोल था प्लस साइन का, वो उसको तोड़ते हुए मेरी एक्टिवा गाड़ी थी उसको जोर से धक्का मारते हुए मेरे दुकान के एकदम करीब 3-4 फुट पर जाके वो रुक गई, जिस और मैं बाहर ही बैठा हुआ था। बहुत भगवान का शुक्र है कि मैं भी बच गया, बाल बाल बच गया, और मेरे दुकान के लड़के भी बच गए, गाड़ी पलटी हो गई, नहीं तो अगर पलटी नहीं होती तो मेरे दुकान में 3 मेरा स्टाफ था, मेरे काउंटर पे कस्टमर खड़ा था, तीनों जन बच गए नहीं तो बहुत कुछ हो सकता था। मेरी इस हादसे के बाद क्या लोग, नहीं मेरा तो एक ही बोलना है कि जब जिस बच्चे हमने बाद में जब उसको पकड़ के इंक्वायरी किया ना तो वो आदमी को ना गाड़ी चलानी नहीं आती, ना उसके पास लाइसेंस है चलाने नहीं आती, 20-22 साल का लड़का था, और प्रॉब्लम सबसे बड़ी है कि ऐसे लोगों के हाथ में चाबी चले कैसे जाती है। आप गुड लग इतना अच्छा था कि 100-200 किलोमीटर के दायरे में कोई दूसरा बच्चा आया, दूसरा रायगीर भी नहीं आया, वो भी एक नसीब की बात थी, लेकिन सबसे इम्पोर्टेंट बात है ऐसे लोगों के पास जो चाबी दे देते ना वो उसके स्ट्रिक्ट एक्शन होना चाहिए।